राजधानी के एसकेएम में हॉल में जो आज जिला परिषद की बैठक हुई उसमें बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। बैठक में सांसदों ने जिला अध्यक्ष पर कई आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं सांसद रामकृपाल ने भी बैठक की सूचना नहीं देने को लेकर डीडीसी और जिला अध्यक्ष को जमकर सुनाया। बैठक हम लोग जिला पार्षद जीत के आए हैं। हम लोग 45 जिला पार्षद हैं। हम लोग विकास करने के लिए क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आज 4.5 सालों के अंदर हम लोग ये देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बराबर जो है खींचातानी चलते रहा, या ऐसा उपाध्यक्ष जी को नहीं होना चाहिए, अध्यक्षीय प्रणाली है या संविधान में लिखा हुआ है, और या जिला पार्षद जो है इसमें सभी तरह के माननीय सांसद, माननीय विधान पार्षद, माननीय विधायक पटना जिला के आते हैं। यह बहुत बड़ी सदन है जिला पार्षद। यह 1860 में जिला पार्षद का स्थापना हुई थी, लेकिन यह लगता है कि पूरे बिहार में यदि कोई नंबर एक बन पर रहा आज विरोध में, यह पटना जिला है। यह देखने को आप लोग भी देख रहे होंगे और आप अपने टीवी के माध्यम से दिखला भी रहे होंगे लाइव किस तरह का जो है इस तरह का हंगामा यहाँ हो रहा है। माननीय सभी सदस्य को कुछ कहना है, बोलते चले जा रहे हैं उपाध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष के में कोई भी काम होना चाहिए नहीं होनी चाहिए। अपना परिचय दे सुधीर कुमार यादव, जिला पार्षद 34 फतवा।